तो ये मैं बालकनी के अंदर एंटर कर गया एंड जरा फॉग देखो आप लोग खुद। यार ये रही अपनी ए क्लास और ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहीं पे, और ये जी एल है ये भी दूंगा, मतलब बटर चिकन भी साथ में बियर भी। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys? YPM Vlogs back here and guys, welcome back to another daily vlog. और अभी हो चुका है time 3:08 रात के, और normally मैं करता नहीं हूँ vlog shoot इतनी रात को, नहीं मैं सोपर सो के उठता हूँ ना, मैं तभी करता हूँ अपना पूरा vlog shoot, but अभी क्या सीन है कि यार होगी है बहुत ज़्यादा बाहर fog, balcony में ऐसा लगभग हो रहा है 1.5-2 महीने बाद मेरे घर के बाहर इतनी ज़्यादा fog होगी एंड ठंड हो चुकी है बहुत बहुत ज़्यादा। नहीं तो नॉर्मली मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब ठंड है वो जा चुकी थी, गर्मी आ चुकी थी, बट आज ठंड मेरे को पता लग रही है मेरे रूम के अंदर भी। तो एक बार लेके चलता हूँ बाहर बालकनी में कि क्या पूरा सीन है, तो करते हैं आज को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम व्लॉग्स बैक हियर। तो ये मैं बालकनी के अंदर एंटर कर गया एंड जरा फॉग देखो आप लोग खुद, भाई ठंड लिटरली हो गई है बहुत ज्यादा। जरा फॉग देखना जरा यार, मतलब अभी जो टेम्परेचर है वो हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो नॉर्मली इट्स अराउंड 22-23 डिग्री सेल्सियस इन द नाइट, बट यार अभी एकदम से हो गई है ठंड और फॉग भी हो गई है। तो अभी जिस मैंने अपना एक डिनर भी ऑर्डर करा है, मैंने अपने लिए ऑर्डर करे अभी तंदूरी परांठे, तो जब वो भी आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले जस्ट लुक एट दिस यार, कुछ गलत ही लग रहा है ना। मेरे को आप बताओ ये कमेंट कि आपकी सिटी में भी ठंड ऐसी होती है और इतनी ज़्यादा फॉग पड़ रही है इस समय, मेरे को बताओ ये कमेंट। भैया शू वाले एरिया में अगर आया हूँ ना तो आपसे ज़रा बात कर रहा हूँ, भाई मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं यूज़ करता हूँ अपने शूज़ को करने के लिए मेंटेन, तो यार ये कुछ फुटवेयर के लिए है जो कि इसमें मैं मारता हूँ अपने शूज़ पे, जिससे जो शू है उस पर कभी भी आते नहीं है कोई भी स्टेन्स वगैरह वाटर वगैरह के, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स यूज्ड फॉर फुटवेयर प्रोटेक्शन। तो यू गाइस कैन आल्सो गो अहेड फॉर दिस, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट मुझे ठीक ठाक सा लगा, लाइक नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक ठाक सा प्रोडक्ट है। तो यार ये आ गया अपना डिनर, मैंने मंगवाए हैं परांठे गोभी के, साथ में यहाँ पर मंगवाया था मैंने रायता भी एक, तो ये रहा मेरा क्यूकम्बर रायता एंड साथ में ये वाइट बटर भी आया है जो कि मैं वाइट बटर नहीं खाता। एंड हमेशा पता नहीं ऐसा क्यों होता कि मैं ऑर्डर करता हूँ स्विगी से आती है टेप लगी हुई जोमेटो की, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है मेरे को बताओ करके कमेंट। A few moments later. भाई देखो डिनर तो मेरा हो गया है, पेट बिल्कुल भर चुका है और अभी बज रहे हैं 4 और अब मैं सोने जा रहा हूँ, लगभग मैं सो जाऊँगा 5 बजे के आसपास, उसके बाद देखता हूँ मैं कितने बजे उठता हूँ, जैसे उठूँगा आपको सीधा मिलता हूँ। सो 3, 2 एंड 1। तो गाइज़ अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, अभी टाइम हो चुका है 1:30 एंड लगभग आई स्लेप्ट अराउंड 6 एंड भाई बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ अभी। तो अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के डायरेक्टली, ये पड़ा भाई मेरा ब्रश, ये पड़ा मेरा रेज़र, क्योंकि यार लगभग मैं हर 2 दिन में एक बार शेव करता हूँ, तो चलो पहले नहा के आपको सीधा मिलता हूँ। तो भाई अभी नहा के मैं भी आ चुका हूँ एंड शेव भी मैंने कर लिया, मेरे को अभी कॉल आया अंकल का, अंकल ने मेरे को बोला कि जो एक क्लास है वो भी देखे आने डिटेलिंग वाली जगह पे, एंड जो जीएल है वो लेके चलनी है एज अ बैकअप कार क्योंकि उसमें हम आ जाएंगे वापस अपने घर। तो अभी चलते हैं, आपको मिलवाता हूँ पहले अंकल से, बट मेरे को मम्मा ने भी कुछ काम वाम दे रखे हैं, तो भाई वो भी सुनते हैं मम्मा से क्या काम है। अमेज़न का कुछ सामान है जो वापस करना है। तो मम्मा कौन क्या मंगवा लिया? अब बस ऐसे कुछ घर से रिलेटेड आइटम थी पर अभी वापस जानी है, अपील नहीं कर। चलो ये पड़ी चीजें वो, चलो अम्मा डालता हूँ अभी आपको रिटर्न। हाँ एंड ये अभी प्लानिंग भी हो रही है कि मैं जाऊँ अपने एक इंटरनेशनल ट्रिप पे बहुत बहुत जल्दी, बट उससे पहले गाड़ी की प्लानिंग चल रही है, गाड़ी भी आए एंड ये अभी मैं तंग हो चुका हूँ अपने 1+70 Pro से, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत आ चुकी है कि जो व्हाट्सएप बार बार वो हो रहा है क्रैश, इन कैमरा उसका वो हो रहा है बार बार क्रैश। तो अभी मेरे को मजबूरन अपने लिए एक फ़ोन परचेज करना पड़ रहा है, बट मेरा बिल्कुल मन है नहीं भी फ़ोन पे स्पेंड करने का, मेरा मन है मैं स्पेंड करूँ अपनी कार पे ही, बट फोन पे यार अब मजबूरन करना पड़ रहा है, देख रहा हूँ कि कौन सा फोन लिया जाए। मेरे को बताओ अगर कमेंट क्या लगता है कौन सा फोन बेस्ट है अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने लिए S21 Ultra, वैसे मेरे को सैमसंग का जो UI मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यार क्या कर सकते हैं, आई थिंक वो बेस्ट फोन है इस वक्त मार्केट में, क्योंकि मैं चिराग भी से बात करी कि जो 8 Pro है 1+ वो कैसा, तो उन्होंने बोला कि उसका जो डिस्प्ले उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो अभी देखते हैं कि कौन सा लिया जाए। एंड ऑल्सो शॉप करो YPRISM.com को, क्योंकि वहाँ पे आई लॉन्च माई ओन ब्रांड एंड वहाँ पे जितनी भाई टी शर्ट्स हैं वो सारी है मेड इन इंडिया एंड मोर ओवर सारी है 180 GSM बायो वॉश जो की होती है बेस्ट क्वालिटी टी शर्ट इन द मार्केट, एंड ऑल्सो जो प्रिंट है ये है DTG प्रिंट। तो शॉप करो YPRISM.com को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एट द टॉप। तो चलते हैं अंकल के पास में एंड लेके चलते हैं हमारी गाड़ी को डिटेलिंग। देखो वो बैठे हैं अंकल, हाय कर रहे हैं, कवर लगा दिया गाड़ी का और अंकल देखे आने गाड़ी डिटेलिंग के लिए आज। हाँ भाई अभी चलते हैं, चलो जल्दी चलो। यार आज मैंने बहुत ही रुमत पहने अपनी Y Note 0 एंड यार मेरे को ऐसे कलरफुल शूज बहुत ज्यादा पसंद है। यार
यार ये रही अपनी ई क्लास और ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहीं पे। और ये जी एल है ये भी दूंगा, बट ये दूंगा मैं सेकंड सीटिंग के अंदर। बट अभी ये जो गाड़ी है इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ एंड अंकल अब यहाँ से जाएंगे मेरे साथ में। अब अंकल जो एक बात है ये भी चमक जाएगी और ये तो बहुत चमक जाएगी एक क्लास पहले से है ना। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, पहले मेरे को हो रही है क्रेविंग कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा, पहले कॉफ़ी पीते हैं। और चलो ये जब भी आता हूँ स्टारबक्स गाड़ी पे ना यहाँ पे अंकल की पार्किंग की जगह नहीं मिलती, नहीं मिलती भैया, तो अब यहीं पे गाड़ी खड़ी करके जाएंगे रोड पे। अंकल थोड़ा संभाल लेना, संभाल जाम भी ना लगे। नहीं लगे वैसे, इन लोगों ने मार रखी है सिंगल साइड रोड। चलो देखते हैं, थोड़ा सा बाकी पार्किंग भी अभी पूरी यूज हो रखी है यार। भैया ना है सैटरडे तो इस चक्कर में आज है स्टारबक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़, इसलिए मेरे को थोड़ी देर लग गई। एंड आज मैंने लिया यहाँ पे एस्प्रेसो फ्रैपाचिनो जो कि इनकी तरह से नई कॉफ़ी आई है, तो मेरे को उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी यही है, तो आप ये कर सकते हो ट्राई वेंटी वाले साइज में, तो इसलिए मैंने अभी ले लिए एस्प्रेसो फ्रैपाचिनो। मीनवाइल तो वही अभी होगा वर्कआउट मेरा, आ चुके हैं गोपाल भाई मेरे घर पे बहुत दिनों बाद आए हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला कि भाई आप एक काम करो जिम आने में बहुत मेरे को आता है आलस, आप मेरे घर ही आ जाओ और मेरे को बस ऐसा करो कि जो मेरा वेट है वो ज़्यादा ना बढ़े। बताओ करते हैं स्टार्ट। तो क्या क्या करवा रहे हो आज से, मतलब स्टार्ट आज से तो बेसिक स्टार्ट करो, काफी टाइम बाद कर रहा है। यस, क्योंकि मुझे याद है कि जो मेरा मेन वर्कआउट था मेरे वो मैं बहुत टाइम हो चुका छोड़े हुए, बट अब से दोबारा मैं शुरू कर दूंगा एंड वापस हो जाऊंगा लीन जैसे पहले था। और जो मेरा फेस आई थिंक वो भी थोड़ा फैट हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब साइज थोड़ा तो बढ़ी है पहले के अकॉर्डिंग। चलो थोड़ा और अब करते हैं वर्कआउट वगैरह स्टार्ट एंड आज से थोड़ा जिम पे अपने ध्यान देते हैं एंड थोड़ी डाइट पे भी, क्योंकि डाइट इज द मेन थिंग अगर आप कर रहे हो वर्कआउट। 1 hour later यार भाई आज से मेरा हो गया शुरू डाइट, मैंने भी लिया अपने लिए पनीर 70 ग्राम और साथ में मैंने लिया आधा किलो एप्पल, जो कि ऑफ कोर्स मैं अभी पूरा नहीं खाऊंगा, साथ में मैंने एक पीस कीवी भी लिया है, तो कीवी भी खाऊंगा एप्पल भी खाऊंगा एंड साथ में भी 70 ग्राम पनीर भी खाऊंगा, जो कि मेरे को भी गोपाल भैया ने बोला है एज अ ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है एक्सेप्ट द कोल्ड कॉफी, उससे मैंने पी रखी है। वैसे तो 9:30 बज चुके हैं बट इस तरह से मेरा ये ब्रेकफास्ट है। तो यार ये अपना पनीर है एंड ये है फ्रूट्स। तो यार ये है एप्पल कीवी पनीर, तो ये एक तरह से मेरा आज का स्टार्टिंग मील है और ये मेरे को गोपाल भैया ने बोला खाने के लिए, तो इसको कंज्यूम करता हूँ। टाइम इज 9:05 राइट नाउ। व्हाट्स अप भाई, क्या हाल है? मैं बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया। चलो तो भाई अभी चिराग भैया आ तो गए हैं लेकिन अभी इनका कुछ खाने का मन कर रहा है एग्जैक्टली, तो अभी तो मैंने खा लिया, अभी मैंने तो खा लिया अपना एप्पल और कीवी खाया, साथ में मैंने पनीर भी खाया 70 ग्राम, तो अभी एक तरह से आई कैन ईट बट नॉट दैट मच। और कुछ चीट मिल भी अभी भाई फोन करके मेरे को कह रहा भाई कुछ खाने चलते हैं बढ़िया सा, इसका लो लाइट बहुत सही है लेंस का और अब ये लाइट ऑन कर दिया है, ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब बताओ क्या खाने का मन है भाई? कुछ भी बढ़िया सा। चिकन तो खाना नहीं है पहली बार, खा लेंगे कुछ भी बढ़िया था। ठीक है, वेज क्या खाने का मन एग्जैक्टली? खा लेंगे पनीर वनीर का आइटम। देखो अगर कुछ भी चीज़ वगैरह होगी देन मेरे आ जाएंगे फिर से पिंपल्स और मैं डेफिनेटली वो नहीं चाहूँगा। देखते हैं क्या सीन बनता है। चलो अभी हम रख करते हैं डिस्कस वगैरह कि कहाँ जाएगा खाने के लिए, उसके बाद चलते हैं। आज तो भी करनी है क्या चिराग भी? अभी से परेशान हूँ, मैं तो भाई हमें कभी आ जाओ जाम ही जाम मिलता है हमेशा, आगे जाने आएंगे नहीं रोड पे। चलो वैसे कितनी भी आज भाई खाना खाने अभी कहाँ था डिस्कशन के बाद? चलो यार और यार यहाँ चल रहे हैं अभी गाने, तो आई थिंक यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा ब्लॉग करना, बट लेट्स सी कि क्या सीन बनता है यहाँ पे। मतलब बटर चिकन भी साथ में बियर भी खा लो आराम से खाओ भाई, इन भाई की याद है अभी खा रहे हैं डेजर्ट, उससे पहले उन्होंने खाया खाना, उसके पहले बियर पी, साथ में पिज्जा भी खाया और उनको कुछ खा के पिया फेस पे आएंगे पिंपल। भाई की बियर वहाँ पड़ी है और ये एक और प्लेट लेकर आ गए डेजर्ट्स की, केक है, मुंगल का हलवा है, वनीला आइसक्रीम है, खाओ आराम से खाओ बढ़िया है, खा लो भाई कोई बात नहीं। बाहर आ गए हैं एंड भाई यार चप्पल में कहाँ चप रहे हो भाई? ज़्यादा तो खाया नहीं है बट केक्स खा लिए, थोड़ी सी मैंने खा ली वनीला आइसक्रीम, मुझे पता है कि यार आज मैंने जिम करा था बट क्या बोल सकते हैं आज भी थोड़ा सा वर्कआउट है, ऐसे ऐसे चला कपड़ों की वजह से जा रहे हो। A few moments later भाई भाई की गाड़ी खराब हो गई है बीच रास्ते में अभी वो देखो जरा रिपेयरिंग चल रही है। तो भाई मेरे को भी कर रहे हैं ड्रॉप मेरे घर पे एंड गाइस चलो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। एंड भैया आपने क्या खरीदा है आज? मैं एक नया एडिशन खरीदा कुछ, चलो उसके जरा स्टे ट्यून्ड, उसकी जो वीडियो आ जाएगी कल तो उसके जरा स्टे ट्यून्ड एंड शॉप करो vibrism.com को, क्योंकि यार वहाँ पे आने वाली है बहुत कूल टी शर्ट्स अभी, जो भी टी शर्ट्स हैं जल्दी से कराओ स्टॉक आउट, क्योंकि जैसी खत्म होंगी उसके बाद आएंगी नई नई टी शर्ट की डिजाइन भी, उसके जरा स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। एंड मेरा फॉलो करो इंस्टाग्राम पे आईडी को देखिए स्क्रीन के ऊपर, जो इन्होंने चीज़ खरीदी है दैट्स वेरी एक्साइटिंग राइट, उसके जरा स्टे ट्यून्ड एंड कल आएगा उसका ब्लॉग, उसके जरा स्टे ट्यून्ड, कल 12 बजे ब्लॉग आ जाएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट डेली ब्लॉग में, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।